आज मैं प्रश्नावली 3.3 का फिफ्थ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो देखते हैं, √2x + √3y = 0 है हमारा, और √x - √8y = 0 है। तो लिख लेते हैं। अब देखिए, हमारा ये फर्स्ट समीकरण है, ये हमारा सेकंड समीकरण। अब फर्स्ट समीकरण से x का मान निकाल के सेकंड समीकरण में पुट कर देंगे, फिर हमारा y का मान निकलेगा, फिर y का मान फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी रख सकते हैं। तो लिख लेते हैं फर्स्ट समीकरण से, √2x + √3y = 0 आ रहा है। अब ये हमारा प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये हमारा इंटू में तो उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो x बराबर क्या बचेगा हमारा, माइनस का √3y हो जाएगा, और अपॉन में हमारा √2 हो जाएगा। अब देखिए, फिर अब x का जो मान है हमें फर्स्ट समीकरण से निकालना है, तो सेकेंड में हमें पुट करना पड़े। तो लिख लेते हैं x का मान सेकेंड समीकरण में रखने पर, अब x का मान सेकेंड समीकरण में रख देंगे, तो रख लेते हैं √3 हमारा है, फिर x की जगह पे हमें क्या रखना है, −√3y / √2 रखना है, ये रख लिया। फिर माइनस लगाएं, माइनस ये √8y = 0 हमारा। अब देखिए, अंदर मल्टीप्लाई करें तो √3 है, ये √3 है तो √√ कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, माइनस का 3y और हमारा √2 रहेगा, फिर माइनस का 8y = 0 हो जाएगा हमारा। अब देखिए, इसके नीचे 1 मान लेंगे, अब एलसीएम लेंगे तो हमारा √2 ही एलसीएम आएगा, और ये माइनस का 3y रहेगा, फिर √2 आएगा ऊपर, तो √2 हमारा मल्टीप्लाई होगा तो हमारा √16 हो जाएगा, बराबर हमारा 0 हो जाएगा। अब √2 उधर जाएगा तो हमारा गुणा होगा 0 से, कोई भी चीज़ गुणे 0 से गुणा होती तो हमारा 0 ही हो जाता है, और इधर हमारा माइनस का 3y, फिर 60 जो हमारा 4 का स्क्वायर होता है हमारा, तो 4 बाहर आ जाएगा, बराबर इधर 0 हो जाएगा हमारा, ये हमारा √2 जो है हमारा उधर गुणा होगा तो 0 हो गया। अब देखिए, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो चिन्ह माइनस का आएगा और हमारा 7y रहेगा बराबर 0। अब देखिए, 7 हमारा डिवाइड में जाएगा 0 के, और ये हमारा ऊपर माइनस लग जाएगा। अब कोई भी 0 से भाग देते हैं किसी भी संख्या को तो हमारा 0 ही आता है, तो 0y बराबर हमारा आंसर 0 हो जाएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। y का मान चाहे फर्स्ट समीकरण में रखे चाहे सेकंड में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम फर्स्ट समीकरण में रख लेते हैं, फर्स्ट समीकरण में रखने पर देखिए, तो फर्स्ट समीकरण में क्या, √2x + √3y = हमारा 0 है, रखना क्या है, y बराबर 0 रखना है, तो हमारा √2x + √3y = 0 रख देंगे, तो हमारा √3 0 हो जाएगा, तो √2x + 0 = 0 हमारा। अब 0 का मतलब कुछ नहीं, तो हमारा √2x = 0 हो जाएगा। अब √2 हमारा डिवाइड में हो जाएगा, तो √2 जो 0 से डिवाइड करेंगे तो x = 0 आ जाएगा हमारा, ये हमारा x का मान।